सी भी है। तो सबसे पहला बात कि इसका परिमाप a प्लस बी प्लस सी, चतुर्भुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। तो इस पर सवाल जो पूछता है वो ये है कि सम ऑफ साइड, ये सेमी पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा टू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा टू मिलेगा। और अगर एरिया इसका निकालना चाहे चतुर्भुज का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। इसी तरह से सम किसी भी त्रिभुज का जिसकी भुजाएं दे रखा है उसका होता है, उसी तरह से इसका होता है। ये भी एक केयर करने वाला था। इसमें एक और बात, ये इस पे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पे देखिए एक और कि अगर भुजा दिया हुआ है ऐसे ऐसे और अगर कोई डायगोनल दिया हुआ है ये, और इसको समद्विभाजित करता है, कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को समद्विभाजित करता है, कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को समद्विभाजित करता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एंगल जो होगा इसका, मान लीजिए कि ये वाला लाइन समद्विभाजित करता है, ये वाला लाइन यानी कि एसी बाइसेक्शनल समद्विभाजित कर रहा है बीडी को, ये दोनों बराबर है, मान लेते हैं ये वो बड़ा है बराबर है। अब आपको ये बात समझना है कि इसका जो एरिया होगा वो इसका एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ एडीओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीओ। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि ये दोनों के आधार क्या है, सेम है और एक ही ट्रायंगल है, हाइट एक ही है। ये वाला हाइट नहीं है लेकिन हाइट जब खींचेंगे इस पर तो एक ही आएगा दोनों त्रिभुज के लिए, ये दोनों के लिए, तो ये दोनों का एरिया सेम होगा और इधर भी ये दोनों का एरिया सेम होगा। अब ये नहीं कहिए कि इसका एरिया इसके बराबर है, नहीं ये वाला समान नहीं है, केवल ये समान है, दोनों भुजा समान, इसलिए इसके सामने वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, इसका भी एरिया बराबर होगा। अब समझिए यहां पर एक चीज और समझने जरूरी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीओ। ये साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि अगर त्रिभुज देखें एबीडी और त्रिभुज देखें बीडीसी, तो ऐसे में आप देखिएगा कि ये अगर आप ये दोनों त्रिभुजों को देखें कि एबीडी और एडीसी, एबीडी और कौन सा बीडीसी, ऐसे में आप अगर ये थीटा रहता और ये थीटा होता तो ये 180 माइनस थीटा होता, ये थीटा होता और ये दोनों आमने सामने के कोण होते हैं इस चक्रीय चतुर्भुज में, वो समपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। अब ये थीटा है, इसका एरिया अगर मान लो ये वाला एंगल है ये थीटा और ये 180, मैं अलग लिख लेता हूं इसको चढ़ता नहीं हूं, आप समझिएगा। ऐसे मान लो ये चतुर्भुज है बी है और ये सी है और ये एबीसीडी है, ए बी था सी डी ऐसा, और ये आपका सी है और ये डी है। आपको समझना है अगर ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है तो होगा ही क्योंकि ये चतुर्चक्रीय है। अब ऐसा है तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये वाला इसका क्या होगा, हाफ इंटू साइन बी सी इसका, और इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी सी साइन थीटा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का, एबीडी होगा हाफ इंटू बीसी साइन थीटा और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी होगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी होगा क्या, हाफ इंटू सी डी इंटू साइन एक्स 180 माइनस थीटा। ये सब सारा डिस्कस किया गया है क्लास। और आपको पता है कि साइन ये थीटा जो है वो आपस में ये साइन 180 माइनस थीटा या साइन थीटा बराबर होता है, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ सी डी साइन थीटा ही लिख सकते हैं। मतलब साफ है कि मैं कह सकता हूं कि इसका और इसका एरिया इसके और इसके एरिया के बराबर, इसको मैं अनुपात अगर निकालता, मैं इरेज करता हूं, आप पीछे बैक करके देखिएगा इसको, मैं ये ले लिख रखा हूं, इसको पीछे करके देखिएगा। हाँ, यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी का अनुपात जो आएगा, सो हाफ इंटू बीसी साइन थीटा और हाफ इंटू बीसी, नहीं तो क्या बीसी और ये गलत ले रखा हूं, बीसी सॉरी केयर कीजिएगा, ये सब ए और बी था और ये सी और बी था, यानी कि यहां पर लिखना होगा आपको हाफ ए बी साइन थीटा और ये हाफ सी डी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा और हाफ सी डी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल, यानी कि ये मिलेगा ए बी बटा सी डी, किसका इनके एरिया का होगा एबी बटा सी डी। अगर मैं ये वाला एंगल लेता तो ऐसा नहीं हो सकता था, एडी इंटू बी सी, एडी इंटू बी सी, यानी कि मैं यहां पर सिमिलरली लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जा रहा है, मैं लिख रहा हूं यहीं पर वैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी हो गया, तो एबीसी, एडीसी में ये बी गुने सी, जैसे इसे को भी प्रूफ किए हम, बी गुने सी, बी गुने सी, और एबीसी का क्या ए गुने डी, ऐसे भी लिख सकते हैं बी गुने सी ए गुने डी, ये दोनों हो सकता था। तो हम लोग इसमें जो इस पे सवाल जो पूछा है वो आपको दिखाएंगे क्लास में, और उससे सवाल जो पूछा है ये सब सारा नोट कर लीजिएगा पढ़ने से, अगर जिनको ये होगा थोड़ा इधर मैं डिस्कस करता हूं इसको, जो अभी सवाल जो पूछता है। अब देखिएगा ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है। अब आपको पता है कि मान लीजिए कि इसका एरिया x है तो इसका एरिया x होगा, और ये पूरा त्रिभुज का एरिया अगर मान लीजिए x है, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा x होगा, क्योंकि आधार बराबर तो एरिया भी बराबर, ऊंचाई कॉमन है, और इधर में देखिए ये वाला y है तो ये वाला y है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे केस में जब समद्विभाजित कर रहा है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तब ये है केवल, ऐसा नहीं कि चक्रीय चतुर्भुज कभी भी आप किसी का मतलब कैसे भी निकालने में, तो ये जब बाइसेक्ट कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है दोनों को, तब ये वाला x भी x तो y तो ये y। अब देखिए यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, और अगर ये बराबर हुआ तो इसका मतलब है ये वाला जो अभी देख रहे थे, इसका मतलब है कि इसका मतलब है अगर बराबर हुआ ये वाला का मतलब निकल के आएगा कि बीसी बटा एडी था ना, एडीसी बीसी था, हाँ सही है, एबीसी एडी था बराबर, ये दोनों तो कट जाएगा, यानी कि बटा बटा में है तो ये कट जाएगा और ये इतना बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और इसीलिए बीसी बराबर एडी होगा। ये आपको इसमें भी हो सकता था, हो सके कि ये वाला संधिभाजित करता इसको तो ये वाला फिर बराबर होता, अगर ये संधिभाजित करता ये दोनों ए और ये दोनों बराबर होता और उस केस में होता, तो ये रिलेशन पर सवाल भी पूछा हुआ है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के ये हम लोग अलग अलग बताते हैं और यहां पर दोनों में साथ में करके सवाल पूछा है। तो ये था, मैं अगले क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। तो ये था क्वेश्चन जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्लासों में, इसका विस्तृत चर्चा कर रखे हैं। हाँ, एक और डिस्कस करना था जी कि आज पहला 17 तारीख को एग्जाम हुआ सीएचएसएल का, उसको आप देखिएगा, आप बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें कोई डिस्कस करने का है ही नहीं मैथ्स में। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन पूछने लगा है और सर्कल से पूछा है, यानी कि कुछ थोड़ा सा अलग पूछने का प्रयास कर रहा है, जो आपको सिलेबस में क्लास में या पहले से आपको टेंथ के सिलेबस को जानते हुए है, तो थोड़ा सा सर्कल का, और ऐसा नहीं पूरा सर्कल का थ्योरी उठा के पूछे, उसमें इक्वेशन पूछ रखा है, ठीक है, बेसिक बात
कि भाई पॉइंट है रेडियस दिया हुआ इक्वेशन क्या होगा, आप उसी से रिलेटेड आप जैसे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए देख लीजिए, या फिर दो पैरल लाइनों के बीच की दूरी देख लीजिए, जितना क्लास में जो बताया गया है एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। ज्योमेट्री सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछने लगा है तो आप एक बार देख कर जाइएगा, हो सके तो समय मिले तो एक बार रिवाइज कर लीजिए सारा। पिछले देखे होंगे पिछला साल जो पूछा हुआ था सब इमेज से संबंधित पूछा था, तो लगातार हर सेट में इमेज से संबंधित पूछा था। ये जितने लोग नए जो एग्जाम देने वाले हैं वो लोग एक बार जरूर देख कर जाइए कि भाई क्या क्या पूछा है सवाल, हर टॉपिक में कैसे कैसे पूछा है सवाल, बेहद आसान है, बस वहां पर आपको बेहतर परफॉर्म करना है। मैटर ये नहीं करता है, वो एक घंटा बहुत मैटर करता है आपके लिए, तो उसमें बढ़िया से परफॉर्म करना है। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम सोल्यूशन करने वाले हैं, ये इस जो आज बताए पूरा सोल्यूशन का प्लानिंग था कि हम सोल्यूशन देंगे, तो ये सब सारा आपको मिनिमम कम से कम होना चाहिए जो जानना था वही हम शॉर्ट में आपको डिस्कस किए। बहुतों को लगेगा कि सर ये सब सारा एक्सप्लेनेशन और करते देते, सब जरूर आएंगे, लेकिन अगले क्लास में हम ज्योमेट्री का जितना पूछा हुआ है सीजीएल 19 वाला, उसको अगले क्लास में अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।